स्वर्ग न अपोन्नर्भव भगवता भक्त संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। वो कह रहे हैं अगर जीवन में एक लव अगर सत्संग हो, बोले एक लव किसको कितना समय है, बोले एक सेकंड हो गया, उसको 11 भाग कर लो, एक सेकंड को 11 भाग कर लो, उसका जो एक भाग है उसको एक लव कहते हैं। जीवन में अगर इतना समय अगर जीवन में साधु संग भक्तों का संग मिले वो सत्संग है, बोले जिसको साथ में स्वर्ग का जो आनंद है, बोले स्वर्ग में कितना आनंद पता है, कहते ये मरते जगत में जितने आनंद है उससे 100 गुण ज्यादा कहाँ पर स्वर्ग लोग में। जैसे हम ज्यादा अगर रसगुल्ला खाए जाए उल्टी हो जाएगा, कोई चीज़ की ज़्यादा हम भोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे शरीर का लिमिटेड है, लिमिटेड से बाहर कोई भी चीज़ हम कर नहीं सकते, लेकिन स्वर्ग में ही तो कुछ नहीं है। स्वर्ग में जितने तुम भोग कर सकते हो 100 गुण ज़्यादा है, कहते तो मोहलोक में बोले उससे 100 गुण ज़्यादा आनंद है, बोले तपलोक में बोले उससे 100 गुण आनंद है, बोले सत्यलोक में उससे 100 गुण आनंद है, कहते तो मोक्षलोक में मुक्तिलोक में बोले आनंद का कोई सीमा नहीं। लेकिन यहाँ कहते हैं बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। हनुमान का नाम सुने हो, जानते कि नहीं सुंदरकांड में, इसलिए जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए गए वो लंकिनी जाने नहीं दे रही थी, हनुमान सोच रहे थे स्त्रियों से लड़ाई करके क्या लाभ है, अपना काम निकाल देना बुद्धिमान का काम ही है, लेकिन वो अंदर में जाने नहीं थे, बोले कहाँ मेरे आँख में धूल झोंक कर जा रहे हो, तुम कौन हो, बोले मैं कौन हूँ अभी तेरे को दिखाता हूँ। ए हनुमान जी अपना स्वरूप को निकाले, मारे एक मुक्का मार तो उसने छक्का छुड़ा दी, उसने एक मुक्का मार करके। लेकिन ये संतो अगर किसको थप्पड़ भी मारे ना, संत भी अगर किसको मारे भी है ना तभी कल्याण है, लेकिन हनुमान जी भगवान के भक्त है ना, केवल उनका थप्पड़ खा करके बुद्धि सही हो गई। तो वो खुद कह रही है साधु संघ की महिमा, बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, कहते एक तराज लो, एक तराज का एक तरफ में अभी बताए ना ये मरते जगत से लेकर मोक्ष लोक तक तो जितने आनंद है एक तरफ में धर दो और दूसरे तरफ में ये जो साधु संघ का एक लव, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुण्य आग, बोले तुलसी सतसंगत में नासे कोटि अपराध। केवल हनुमान के मुक्का खा कर बुद्धि उसकी बदल गई, कहते भैया इतने कम समय साधु संग में इतने महान है, बोले इसको साथ में ये सारे आनंद भी बराबर नहीं कर सकते, इतने महिमा साधु संग की। इसलिए आज हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो कि प्रभु जी के घर में आ रहे हैं, कीर्तन सत्संग हो रही है, ये बड़े भाग्य से मिलता है। और भागवत में बताए बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथा सुतादर कथा प्रसंग, जहाँ पर भगवान की कथा हो जाए हरि कथा हो जाए, कहते सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ उसी घर में आ गए। बोले पृथ्वी में कितना तीर्थ है पता है, कितना तीर्थ है, हाँ इसलिए कहते पृथ्वी में बोले 6 अरब तीर्थ है, बोले 1 अरब कितना होता है, बोले 1 अरब कितना होता है 100 करोड़ है, बोले 600 करोड़ तीर्थ जिस घर में सत्संग कीर्तन हो 600 करोड़ तीर्थ उस घर में आ गए, हैं सारे तीर्थ वहीं पर आ जाते हैं। इसलिए कहते इतने महिमा ये साधु संग और भगवान की कथा की है। इसलिए श्री पृथ्वी महाराज कहते हैं जिस घर में संत लोग पधारे हरि कीर्तन हरि कथा हो वही गोलोक वृंदावन है, वही गोलोक वृंदावन है। अगर जिनके घर में साधु से लोग नहीं आए, जिस घर में सत्संग नहीं हो वो गाली देते हैं, कहते वो कि बिल है जिस बिल में केवल जहरीले सांप रहते हैं, वो कहते वो एक बिल है जिस बिल में केवल जहरीले सर्प रहते हैं। बोले क्यों, बोले जिस घर में सत्संग की समागम होगा वो हरि कथा सुनाएंगे, भगवान के बारे में समझाएंगे,
उसी घर में ठाकुर की कथा कीर्तन भजन पूजा करेंगे, लोग करेंगे तो उनका जीवन सुधरेगा, प्रभु की भक्ति करेंगे। लेकिन जिस घर में सत्संग नहीं है, फिर घर में क्या है? घर में लड़ाई झगड़ा ईर्षा द्वेष कलह, इसके सिवाय उस घर में और कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे मदिरा पान करने से दूर कर देंगे, घर में मांस आने लग जाएगी, मछली आने अंडा आने लग जाएगा, फिर घर में चाहे गंदी ईर्षा द्वेष कलह चुगली उसी घर में और क्या होगा? उस घर में और इसके सिवाय और कुछ होगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो भक्त लोगों का कोई जाना आना है ही नहीं, हरी कथा हरी भजन तो होगी नहीं, तो इसके सिवाय और दूसरे सारी चीज होगी। इसलिए पृथु महाराज कहते वो घर नहीं, वो एक बील मात्र है जिसमें केवल जहरीले सांप रह रहे हैं, वो इंसान नहीं, वो जहरीले सांप उस घर में रह रहे हैं। इसलिए आज समझो हम लोगों का बड़े भाग्य है जो कि हम इस घर में आए, और पहले भी हम आए थे, जो पहले आए थे हाँ इनके घर में हम लोग सब आए थे, कीर्तन कथा किया था, हमें याद है। इसलिए आज हम इनके लिए ताली बजाओ जोर से, इन्होंने सवेरे सवेरे सब भक्तों को अपना घर में इन्होंने बुलाए। अभी प्रश्न है तो यह साधु संघ से हमें से क्या चीज मिलता है जो कि साधु संघ की इतने महिमा क्यों बताए? बोले सत्संग से हमें क्या चीज मिलेगी? बोले भैया सत्संग से हमें जो चीज मिलने वाले है ना, और किसी को इधर आ जा, और किसी को द्वारा ये चीज हमें मिलने वाले नहीं, ये सत्संग में हमें जो चीज की प्राप्ति होती है। बोले सत्संग से क्या मिलता है? बोले भगवान का नाम, ठाकुर जी की नाम हमें मिलता है, हैं? इससे बड़ी चीज दुनिया में कुछ है नहीं। इसलिए कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम है। हाँ छोटी सी स्टोरी सुन लो। बोले एक समय कोई एक गरीब ब्राह्मण था, उस घर में एक लड़की है, वो लड़की अभी कुंवारी अभी शादी के लायक हो गई, लेकिन ये ब्राह्मण लोग तो पहले भिक्षा को द्वारा जीविका निर्वाह करते थे। बोले कहाँ से पैसा लाऊं जो बेटी को शादी दूँ? तो उन्होंने भोले बाबा काशी विश्वनाथ की उन्होंने पूजा की। जब पूजा की काशी विश्वनाथ जी ने संतुष्ट हो गए, बोले बेटा वर्मा को बोले घर में बेटी है शादी के लायक हो गई, अभी कुछ पैसा हो तो बेटी को हम शादी करा देना चाहते हैं, इसलिए आप कृपा करके मुझे पैसा की व्यवस्था कर दो। लेकिन शंकर जी कौन है? कहते वैष्णव नाम यथा संभव, भगवान की ये परम भक्त श्री भोले बाबा, अगर शंकर जी किसको परम अगर सही सही कृपा करते हैं, वो क्या करते हैं, वो लास्ट में उसको भगवान तक पहुंचा देते, ठाकुर तक पहुंचा देते हैं। अगर इसको पर कृपा नहीं करते ना, हाँ दुनिया का थोड़ी रुपया पैसा धन दौलत दे करके संसार में उसको भटकाते रहते हैं। अभी शंकर जी बोले काम करो तुम वृंदावन चले जाओ, वहाँ पर श्री एक मदन मोहन टीला है, हैं? वहाँ पर एक संत रहते हैं जिनका नाम श्री सनातन गोस्वामी, उनको पास में चले जाओ, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अभी चलते चलते काशी विश्वनाथ से चलते चलते वृंदावन आए, कितना दिन लग गया। लेकिन जब उनको पास में आए, उनको देख करके तो उनको होश उड़ गए। क्या देखा? घुटन तक कपड़ा पहने, हाथ में एक झोली की माला और कुछ है ही नहीं, और एक पत्ता का कुटिया है। इतने में वो सोचने लगी ये क्या हमें क्या देगा, उसको खुद को पास में कुछ है ही नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, ये हमें क्या देगा, हैं? लेकिन शंकर जी ने भेजा है, तब उन्होंने आकर इनको चरण में गिरे। तब सनातन गोस्वामी दिखा के ब्राह्मण देवता, बोले बाबा आपका हमें क्या सेवा करें? बोले मेरे को काशी विश्वनाथ जी ने भेजा। बोले काशी विश्वनाथ जी? बोले हाँ, क्योंकि शंकर जी की और सनातन गोस्वामी के साथ में बहुत अच्छा संबंध है, इसलिए ये सनातन गोस्वामी ब्रज में वहीं पर रहा करते थे जहाँ शंकर जी के मंदिर, क्योंकि शंकर जी परम वैष्णव है, ये वैष्णव है, तब दो वैष्णव जो एकत्रित होएंगे क्या करेंगे? दुनिया की तो कोई चर्चा करेंगे नहीं, वो हरि चर्चा करेंगे। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं मेरे भक्तों का क्या लक्षण है, भगवान खुद कहते हैं बोले मत भक्ता मत गता चिंता बोधयन्ति परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति। भगवान कहते मेरे भक्तों का जो लक्षण है,
मत कथा। जब एकत्रित होना वो खरे वो दुनिया की कोई बात नहीं करते हैं, वो करता मेरी कथा करते हैं। मत कथा चिंता, चिंता किसको करते हैं? बोले ठाकुर जी को चिंता करते हैं। अरे आपस आपस में चर्चा तो किसकी चर्चा? बोले हरी चर्चा, हरी चर्चा। इसलिए कहते ये भक्तों का लक्षण है, हैं? लेकिन दुनियादारी चर्चा क्या है? दो माताएं अगर बैठ जाए तो क्या चर्चा आपकी? तो तेरी घर में बहू को साथ में क्या हो रहा है? बहू ठीक ठाक है कि नहीं? लड़ाई झगड़ा कर नहीं रही? घर में क्या खाना बनाए हो? छोरा क्या कर रहा है? छोरी क्या कर रहा है? यही तो करेंगे ना, क्या करेंगे? हरी चर्चा के बगैर दुनियादारी की चर्चा होगी? इसलिए तो उन्होंने, तब दोनों संत हैं, दोनों संत में तो हरी चर्चा ही होगी। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी वो जहाँ जहाँ ब्रज में रहा करते थे वो शंकर जी को ही पास में रहते थे, क्योंकि वो दोनों बैठ करके आपस आपस में हरी चर्चा करते थे। शंकर जी को कहीं भी तुम आप मूर्ति देखो, देखना ध्यान है ना, जब शंकर जी प्रभु की ध्यान लगाते हैं ना, कल्प तो लग जाती है ध्यान, उनका ध्यान सच में नहीं टूटती है। प्रभु के चरण में लग गया तो कितने कल्प बीत जाती प्रभु की चिंतन करते करते। इसलिए शंकर जी को पास, शंकर जी को साथ में उनका बड़ी मित्रता है, इसलिए उन्होंने शंकर जी को पास में भेजा, दोस्तों को पास में भेजा, उनको पास में जाओ सब कुछ मिल जाएगी। लेकिन जब देखा है बाबा को पास में कुछ है ही नहीं, ये क्या देंगे हमें, है केवल एक माला झोली और कुछ है नहीं पास में, अभी तो निराश हो गए। बोले क्या बात है, कहाँ से आए हो? बोले भोले बाबा भेजे। बोले शंकर जी भेजे, उनको दोस्त है शंकर जी, हैं? बोले क्या बात है? बोले घर में एक बेटी है, अभी यह शादी के लायक हो गई, अभी हम कहाँ पैसा लाए जो बेटी को शादी करे, इसलिए शंकर जी को उपासना की। शंकर जी बोले आपको पास में चले जाओ, वही तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर देंगी। अभी तो वो चिंता में पड़ गए। बोले देखो पहले सनातन गोस्वामी कौन थे? बोले बंगाल जो नवाब है वो इसका ये प्राइम मिनिस्टर थे। हम लोग जैसे नौकरी के लिए रिश्वत देते हैं, लेकिन ये बाबा नौकरी छोड़ने के लिए रिश्वत दिया, पता है कितना पैसा दिया? 10,000 स्वर्ण मुद्रा, 10,000, इतना उन्होंने रिश्वत दिया है। क्योंकि राजा आए कि नौकरी छोड़ दे, कौन सा नौकरी? प्राइम मिनिस्टर का नौकरी। अभी जिस नौकरी के लिए अभी दुनिया में इतना लड़ाई झगड़ा, कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, कितना लड़ाई झगड़ा, लेकिन ये इतने बड़े नौकरी को छोड़ रहे हैं। बोले क्यों छोड़ रहे हैं? बोले वृंदावन जाकर प्रभु में भजन करूँगा, भक्ति करूँगा, क्योंकि भगवान की भक्ति में जो आनंद है ना, ये विश्व ब्रह्मांड में और किसी में वो आनंद नहीं, वो मस्ती जितने प्रभु की भक्ति में, और किसी का मस्ती इतना किसी में है नहीं। इसलिए इतने बड़े पोस्ट को छोड़ करके और ये भागना चाहते थे वृंदावन में। राजा ने जब पता चला ये इसको छोड़ करके वृंदावन भाग रहे हैं, भजन के लिए जेल में बंद कर दिया। पर अगर ये चला जाएगा, क्योंकि जब से ये इनको प्राइम मिनिस्टर पद में नियुक्त किया ना, 3-2 गुना रात 4 गुना इनके ध्यान बढ़ने लग गया। इतने बुद्धिमान थे ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, दो भाई इतने तीव्र बुद्धि के थे। इनका राज्य को कहाँ से कहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया था। मतलब अगर ये चला जाएगा तो सर काम ठप हो जाएगा, है ठप हो जाएगा। पर देखेगा कौन? इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद कर दिया तो इन्होंने जो जेल कीपर था ना, उनको लोग दिखाए, बोले देख अभी जो नौकरी तेरे को मिला, मैंने ही तेरे को नौकरी दी थी। बोले हाँ। बोले मैंने तेरा उपकार किया था, अभी तेरा कर्तव्य मेरे उपकार कर। बोले क्या? बोले जेल से छोड़ दो। बोले राजा को पता चलेगा ना मैं जेल से छोड़ दिया, सीधा मेरे को प्राण दंड दे देगा मुसलमान, हैं? मेरे को प्राण दंड दे देगा। इसलिए तो उन्होंने बोले देखो कैसे छोड़ेगा। बोले चिंता नहीं, उसको सामने एकदम 5,000 स्वर्ण मुद्रा, कितने एक स्वर्ण मुद्रा कितना, 5,000 ढेर लगा दिया उनका सामने। इसको देख करके ना जीभ में पानी आ गया, 5,000 स्वर्ण मुद्रा कोई साधारण बात है? बोले भैया मैं मेरा बेटा खाएगा तो ये मेरे घर में कभी कभी नहीं पड़ेगा इतने। लेकिन उसका दिल तो पिघल गया,
थोड़ी सी इधर आनाकानी कर रहे थे, फिर और डाल दिए। इसको देख कर तो बुद्धि खराब हो, बोले मेरे को जेल से छोड़ दे। जेल बोले राजा को क्या बताऊं, बोले मैं तेरे को बुद्धि देता हूँ, चिंता क्यों करते हो। बोले ये बताना ये शौच क्रिया के लिए गए थे गंगा किनारा में, जो शौच क्रिया के लिए गए थे वो शौच क्रिया के बाद में गंगा में पास में गंगा बह रही थी, बोले उसमें नहाए तो डुबकी लगाई, पता नहीं गंगा कितनी धार है, अब देखे गंगा कितना धार, ये डुबकी लगाए तो रोके ही नहीं, वो कहाँ बहते हुए चला गया वो पता ही नहीं चला। बोल देना मैं इतने दूर तक तो चला जाऊंगा ये कभी तो पता नहीं लगा सकता मैं कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। उन्होंने बुद्धि दे दिया, बुद्धि दे करके कहते हैं उन्होंने गंगा में जब डुबकी लगाई ना, कहते भगवान स्वयं कहते मगरमच्छी बन करके आए, क्योंकि संत है ना, कहते मगरमच्छी बन करके आए और उनको गंगा पार करा दिया, और इनको पैसा दे करके भाग के कहाँ पर जगन्नाथ वृंदावन भागे, वृंदावन चले आए। और हम तो भगवान को दर्शन करने चाहते हैं, लेकिन ठाकुर जी इनको दर्शन करने आते थे, दर्शन करने आते थे। बोले क्यों, ये भगवान का भजन करते थे, भक्ति करते थे, कृष्ण लीला में ये लवंग मंजरी राधा जी की एक प्रिय ये सखी है, ठाकुर जी रहते थे वृंदावन में, ठाकुर जी रहते थे, ये रोज गिरिराज का नित्य नियम था रोज गिरिराज परिक्रमा करना है, रोज गिरिराज परिक्रमा करते थे वृंदावन में। एक है चौबेनी, चौबेनी जानते हो ब्राह्मणी जो चार वेद को जानने वाले, उनके घर में मदन मोहन ठाकुर जी रहते थे, ये रोज जाते थे उनको दर्शन करते थे, रोज दर्शन करते थे ठाकुर जी को। एक दिन ठाकुर जी बोले, बोले एक दिन उन्होंने देखा ठाकुर जी को गुल्ली डंडा खेलते हुए, वो चौबेनी का एक बेटा था और ये ठाकुर जी स्वयं उनके घर में गुल्ली डंडा जानते हो गुल्ली डंडा खेलते थे है, अगर जो हार जाएगा ना एक कंधे पर बैठेगा। पहला बार खेल हुई तो जो चौबेनी का जो बेटा था जिसका नाम था सदना और इनका ठाकुर जी का नाम था मदना, वो माता जी के अंदर में इतने भक्ति भावना थी, ठाकुर जी जो है ना साक्षात रूप में प्रकट हो जाते थे ठाकुर जी, और इनके बच्चे को साथ में गुल्ली डंडा खेलते थे बच्चों को साथ में है, गुल्ली डंडा खेलते थे बच्चों को साथ में। इतने में बोलते वो माता जी सोचते थे मेरे दो लाला है, अपना लाला तो सदना है ये, और ये लाला कौन है, श्री मदना। ठाकुर जी को प्यार से बोलता था मदन मोहन को मदना सदना। अभी दोनों गुल्ली डंडा खेलते खेलते पहली बार सदना हार गया, कृष्ण बोले तू घोड़ा बन, जैसे बचपन में होता है ना, बोले तू घोड़ा बन मेरे कंधे पर बैठा कर ले चलो, ले चले। दूसरी बार खेल हुई, खेलते खेलते ठाकुर ही हार गए। बोले अभी तू घोड़ा बन, मेरे को घोड़ा बना दे, अब तू घोड़ा बन। जब ठाकुर जी को घोड़ा बनाने के लिए बोला ठाकुर भाग गए। और ये जो बच्चा है ना सदना, बोले सारे जब तेरी बारी आई मेरे को घोड़ा बना दिया, जब तेरी और तू जो हार गया अभी तेरे को घोड़ा बनना था तो भाग रहे हो इतने में, लेकिन ये लीला को कोई नहीं देख रहे हैं, पुजारी जो वो भी नहीं देख रहा था, लेकिन ये सनातन गोस्वामी रोज जहाँ करके लीला देखते थे। इतने में वो बच्चा उनको गाली देते हैं ठाकुर जी को, बोले घर मंदिर में घुस करके चुपचाप बैठ गया, पुजारी बोले किसको गाली दे, भाग यहाँ से, भगा दिया उसको। बोले आज गया ना सारे, कल आ तेरे को मजा दिखाऊंगा, वो गाली दे रहे ठाकुर जी को, कल आओगे ना खेलने के लिए तेरे मजा दिखाऊंगा, आज मेरे को घोड़ा बना दिए, खुद घोड़ा बनने का बारी आज भाग गई थे हैं। ये देखते थे। एक दिन जब ये पहुंचे देखा वो माता जी खिचड़ी बना रही, बोले खिचड़ी कैसे बना रही है, बोले इधर दांतन कर रही है, दांतन कर रही है और उसी हाथ से खिचड़ी बना रही है, अभी स्नान भी नहीं किया, शौच क्रिया भी नहीं किया, सवेरे उठ कर खिचड़ी बना रही है। ये बाबा ने देख कर के बोले देखो ये तुम क्या कर रहे हो, ठाकुर को भोग लगेगा, हम कैसे भोग लगाते हैं, नहा करके तिलक करके साफ सुथरा हो करके अच्छे कपड़ा पहन करके तभी तो ठाकुर को भोग लगाते हैं ना, ठाकुर के लिए खिचड़ी बनाते हैं हम कलची से खिचड़ी, लेकिन वो तो दांतन करती थी दूसरे हाथ से वो खिचड़ी चला देती। बोले ये तुम्हारी पाप हो रहा है, अपराध हो रहा है, ठाकुर को पवित्र बंद करके ठाकुर को भोग लगानी चाहिए, ऐसे नहीं तुमने कपड़ा बदला है नहीं, शौच क्रिया भी नहीं किया, ऐसे नहीं करते हैं। फिर बाबा हम मूर्ख आदमी, मैं तो कुछ जानते नहीं,
बोले कल ठीक से करना। बोले ठीक है। दूसरे दिन बाबा पहुंचे, गए तो देखा, पहले तो अटैच बाथरूम थी नहीं। कहाँ पर जाते थे? जंगल में जाते थे शौच क्रिया के लिए, और यमुना में स्नान करते थे। यमुना में स्नान मथुरा की, वो करते करते जब ये सवेरे पहुंचे ना, हो गया लेट। लेट हो गया तो अभी ठाकुर जी और इनका जो बेटा, दोनों ही बैठ करके रो रहे थे। जैसे बच्चों का सवेरे उठते ही भूख लगती है ना, भूख लगती है ना, सवेरे उठ करके रो रहे थे। बोले मैया खिचड़ी खिला दे, मैया भूख लग रही है, मैया खिचड़ी खिला दे। देखा भगवान रो रहे बैठ करके। ये बाबा देख करके बोले आज वो पवित्र बनकर खिचड़ी बनाएगी, लेकिन ठाकुर जी रो रहे हैं, ठाकुर जी रो रहे हैं। मतलब पहले जैसे देखते ठाकुर खुश थे, क्योंकि भगवान प्रेम की ठाकुर जी भूखे हैं। किस चीज की भूखे हैं? प्रेम की भूखे। जैसे सबरे माँ, इसलिए भक्ति दो तरह का बताया। कितने तरह का भक्ति क्या है? कहते हैं एक वैदिक भक्ति और एक राग भक्ति। बोले वैदिक भक्ति किसको कहते हैं? बोले शास्त्र का नियम से, जैसे सवेरे ना उठो, ना हो, कपड़ा छोड़ो, नया कपड़ा धारण करो, विधि विधान से तिलक लगाओ, इसको तो वैदिक भक्ति कहते। राग भक्ति किसको कहते हैं? बोले जो स्वाभाविक रूप में है, जहाँ पर ये विधि से ऊपर है, जो स्वाभाविक रूप में, जैसे एक माँ, जैसे कि छोटा बच्चा सवेरे उठा, रो रहा है दूध के लिए, मैया क्या सोचे कि मैं पहले नहा करके कपड़ा बदला करके फिर बच्चे को दूध पिलाऊंगी ना? जिस अवस्था में रहेगी उसी अवस्था में दूध पिलाएगी। बोलो उसी अवस्था में, क्यों? मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। कि उसी तरह जो राग भक्ति है, वो स्वाभाविक रूप में वो मानती थी मेरे दो लाला हैं, है वो दो लाला हमारी है, इसलिए उनको स्वाभाविक रूप में प्रेम। लेकिन हमारी नहीं होगा, अभी भगवान को हम लाला नहीं मान सकते, हमारी नहीं होगी, लेकिन उन्हीं के लिए था, इसलिए ठाकुर जी रो रहे थे। इसलिए सनातन गोस्वामी बोले माता की बोली तरह, पहले जैसे तो सेवा करते थे ऐसी क्या कर, ठाकुर उसमें खुश, आज ठाकुर जी रो रहे। हम ऐसे भक्ति करें अगर ठाकुर जी रोने लग जाए पर बेकार है। पहले जैसे करते थे वैसे ही क्या करो? बोले ठीक है बाबा। इसलिए वो ठाकुर जी सनातन गोस्वामी को बोले बाबा तेरे साथ में ले चलो। बोले मेरे साथ में क्या करोगे? यहाँ पर तो रोज खिचड़ी खा रहे हो, इसमें घी डाल करके, मक्खन डाल करके, कभी मालपुआ खा रहे हो, कभी रसमलाई खा रहे हो, मेरे साथ में जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो चून ला करके, थोड़ा आटा ला कर घोल करके पी लेता हूँ, मैं तो बिना नमक के टिकिया बना कर खा लेता हूँ, तुम कहाँ से खाओगे? बढ़िया चकाचक तुम भोजन कर रहे हो, हैं? नंद बाबा घर में न ला गया था तभी तेरा पेट नहीं भरता था, तो चोरी चोरी घर घर में खाता था, इसलिए भैया तू यहीं भर रहा कर। बोले बाबा नहीं, तू जो जो दोगे ना मैं ले लूँगा, लेकिन साथ में ले चल। बोले देखो उठा कर नहीं ले जा पाऊँगा, चल चल कर जाना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, चल चल कर चली जाएंगे। ठाकुर जी मथुरा से कहाँ तक? वृंदावन। पैदल में चलते चलते 10-15 किलोमीटर चले जाए ठाकुर जी, हैं? उनको घर में रख दिया। और जब भोग लगाया करते थे बिना नमक के टिकिया, एक दो दिन नहीं खाए, तीसरे दिन में गला को नीचे नहीं उतर रहा है। फिर बोल पड़े, बोले बाबा थोड़ा तो सब्जी तो देता ही नहीं, ये टिकिया में थोड़ा नमक तो डालो। बोले नमक कहाँ से लाओ? मैं संत आदमी हूँ, नमक कहाँ, उसमें तो घनाघन जंगल था। आज बोले नमक दो, कल बोले को थोड़ा सब्जी ला दे, फिर बोले बता दूध ला दे। बोले पेट नहीं भर रहा है, तेरे राबड़ी की व्यवस्था करते। अरे हम कहाँ से लाएंगे भैया, हमसे नहीं हो पाएगा, हैं? व्यवस्था करता खुद कर लो। बात सुनने ठाकुर जी ने क्या किया, अपना व्यवस्था खुद कर लिया है। कहते बहुत बड़ा एक बिजनेस मैन नाव लेकर जा रहा था बिजनेस के लिए, उसमें नमक था और बहुत सारी चीज था। ठाकुर जी मंत्री को सामने बागरेती की चरा में लगा दी, तस से मस नहीं हो, नाव जहाँ के तहाँ अटक गया। अटक गया तो बड़ी चिंता में पड़ गए, बहुत सारी चीज उसमें नाव में, कैसे ले जाए। इतने में देखा एक छोटा सा बालक वहाँ पर है, वो भगवान स्वयं मदन मोहन। बोले क्या बात है? बोले रेती में लग गया नाव, टस से मस नहीं हो रहा है। बोले काम करो, यहाँ पर एक बाबा है, जाओ और बाबा के पास में जाओ। कहते ना जो ना करे लकड़ी सो करे फकरी, जो भाग्य नहीं कर सकता है वो संत कर सकते हैं। बोले जाओ वहाँ पर। जब वहाँ पर गए बोले देखो बाबा को हाथ में खाली हाथ से नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ ले करके जाइयो।
बोले क्या लेकर जाए, बोले तेरे पास नमक है ना, थोड़ा नमक ले जाओ। जानते हैं ना वो नमक नहीं देता है, बोले नमक कहाँ से लाऊं, संत आदमी हो, उस समय घनाघोर जंगल था, बोले था नमक लेकर जाओ। जब वहाँ पर गए देखा सनातन गोस्वामी को बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, और एक बार जोर से बोलो बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बाबा बैठ करके हरि नाम कर रहे थे, उनके चरण में गिर पड़े, बोले बाबा बाबा मेरा नाव बाली की रेती की चरा से लग गया, वो टस से मस नहीं हो रहा है, थोड़ा आशीर्वाद दे दो, कृपा करो, लो ये नमक लो। बोले तेरे को कैसे पता चला मैं जंगल में भजन कर रहा हूँ, बोले वहाँ पर काला सा छोकरा सा था, है बच्चा था, उसने बोला यहाँ पर कि बाबा भजन कर रहा है, देखो खाली हाथ में मत जाओ, नमक लेकर के जा उनके पास में, है नमक लेकर के जा, वो बाबा का कृपा होगा तो सही हो जाएगी। वो समझ गए कि सारी ये मदन मोहन का सारे काम है, हैं उसको हम नमक नहीं देते, पगर नमक की टिक्किया लगाते, गले से उतरता नहीं, बोले नमक लेकर जा, खुद व्यवस्था कर दिया। बोले देखो ये नाव जो चरा में लगाए ना मैंने नहीं, ये ठाकुर जी को मैं ठीक से भोग नहीं लगा पाता हूँ, हाँ टिक्किया देता हूँ, इसलिए इनकी बढ़िया बढ़िया खाने की इच्छा इसने क्या किया, तेरे नाव को रेती की चरा में लगा दिया है, हैं इसलिए जाओ ठाकुर के पास में जाओ प्रार्थना करो। वो था भक्त, ठाकुर जी सभी का वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं, कहते भक्त द्रव्य प्रभु कारी कारी खाए, अभक्त द्रव्य प्रभु उलट निचाए, जो भक्त हैं वो नहीं देने पर भी ठाकुर जी जोर जबरदस्ती उसकी चीज को ग्रहण करते हैं, लेकिन अभक्त होने पर जैसे दुर्योधन की मेवा त्यागे और साग विदुर घरे खाए, सबसे बचुची प्रेम सगाई है, इसलिए बोले जाओ ठाकुर जी की इच्छा है। वो भक्त था, वो सुनकर तो गदगद हो गया, बोले ठाकुर की ऐसी इच्छाएं, ठीक है ठाकुर जी मेरा नाव चलने लग जाए, इसमें जितने तेरे प्रॉफिट ही होगा ना, ये सारे चीज तेरे लिए मंदिर बना दूंगा और गौशाला बना दूंगा, अरे खूब दूध पीते रहो ठाकुर जी। सचमुच से नाव तो अपने आप चल पड़ा, और उसी बार उसको इतने प्रॉफिट हुआ, क्यों, उसने बोला जो कुछ लाभ होगा ठाकुर का सेवा में लगाएंगे, इतने उसकी प्रॉफिट हुई, इतने उसकी लाभ हुई, बहुत पैसा मिला, उसने ठाकुर जी के लिए मंदिर बना दिया, गौशाला बना दिया, ठाकुर जी खूब दूध पीते रहो, अब मंदिर में तुम रहा करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री सनातन गोस्वामी की, इसलिए श्री सनातन गोस्वामी जब उनको पास में आए ना वो ब्राह्मण जी, बोले बेटी की शादी के लिए, बोले मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं, इतने में याद आया शंकर जी ने भेजा, बोले हाँ मेरे को पारस पत्थर मिला था, नाम सुने हो पारस पत्थर, जो लोहे को भी सोना बना देती है, बोले देखो वो कूड़ादान में फेंक रखे थे, बोले देखो तो कूड़ादान में एक पारस पत्थर मिला था फेंक रखा था, वो तो सुनते ही आश्चर्य में पड़ गए, बोले पारस पत्थर, कहते सात राजा का धन मिल करके भी एक पारस पत्थर को साथ में बराबर नहीं कर सकते, इतने कीमती जो लोहे लाओ स्पर्श करो सोना बन जाएगा, वो तो आश्चर्य में पड़ गए, पारस पत्थर कूड़ेदान में, कूड़ेदान में हम क्या फेंकते हैं, घर की कचरा फेंकते हैं, बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बड़े सतमुच से देखा पारस पत्थर, वो परीक्षा करने के लिए हाथ में ताबीज था, लोहे लगा दी हो गया सोना, बोले बाबा इतने कीमती चीज जब ले करके जा रहे, इतना थोड़ी दूर जाते बुद्धि बदल गई, क्या बदल गई, बोले भैया जरूर इनसे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा कीमती चीज उसको पास में है, तभी तो कूड़ादान में फेंक कर रखा था, है अगर वो धन का एक किनका अगर हमें मिल जाता है ना, मेरा जीवन धन्य हो जाता, वापस आए, बोले बाबा एक प्रश्न करो, बोले बताओ, बोले ऐसे कौन सा धन में आप धनी बने हो, ये पारस पत्थर जैसे इतने कीमती चीज को आपने कूड़ादान में फेंक रखा था, आप कृपा करके वो धन से थोड़ा सा दोगे, बोले सचमुच से लेना चाहते हो ना, ऊपर ऊपर से बोलते, बोले सचमुच से, बोले पहले ये पारस पत्थर को जमुना में फेंक करके आओ, नहा करके आओ, पैर में तुमको ये धन दूंगा, उसको विश्वास हो गया और उसने पारस पत्थर को फेंक दिया, कहाँ पर, यमुना में फेंक दिया।
बोले अकबर को पता चला ना, बोले पारस पत्थर मिला था फेंक दिया, जो लोहे को सोना बना दे। उन्होंने बनाया कि जाल लोहे की, फिर जमुना को छान मिल लिया, कहते दो चार जो लोहे तो सोना बन गए, लेकिन वो पत्थर नहीं मिली, पारस पत्थर नहीं मिली। इसलिए जब वो नहा करके आया ना, जानते हो क्या दिया? भगवान की नाम दिया। बोले ये भगवान के नाम है, ये हरि से बड़ा हरि का नाम है, ये इससे कीमती चीज दुनिया में कुछ है नहीं। ये हरि नाम ले, यहाँ पर बैठ कर भजन कर, बेटी की शादी की चिंता मत कर, ठाकुर जी अपने आप करा देंगे। कहते हैं करते हो तुम कन्या, मेरा नाम हो रहा है तेरी कृपा से सारे, इसलिए कोई चिंता मत करो, खूब भगवान के भजन करो। और सचमुच से उसको विश्वास हो गया और भगवान की माला जप करना शुरू कर दिया, भगवान की माला करना शुरू कर दिया। देखो ये पारस पत्थर से भी कीमती चीज है, क्योंकि ठाकुर का नाम है ना। अब बताओ हनुमान के पास में क्या है? हनुमान से जो शंकर जी से, हनुमान से माता देवी से हम मानते हैं ना, अब हमें स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत दे दो, क्या शंकर जी हनुमान जी कोई फैक्ट्री बना कर रखे तुम्हारी? कोई फैक्ट्री है जो कि आप जो चीज मांगते हैं वो दे देते हैं, पर कोई फैक्ट्री बनाए? बोले किसके बल पर सब देते हैं? बोले भगवान के नाम के बल पर सब कुछ देते हैं, क्योंकि हनुमान जी दिन भर रघुपति राघव पति तपावन दिन भर करते। शंकर जी क्या करते हैं? बोले पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर जी पंचमुख में भगवान के नाम जप करते हैं। माता देवी को देखना, ये आठ हाथ में एक माला है, वो भी माँ यही हरिनाम करती हैं। विश्व ब्रह्मांड ठाकुर के नाम जप करते हैं। जो कुछ ये लोग देते हैं ना, ब्रह्मा शंकर जो कुछ, केवल प्रभु के नाम की बल पर दुनिया को सब कुछ देते हैं। और कुछ को द्वारा, किसको द्वारा नहीं, ठाकुर जी के नाम के बल पर देते हैं। उसको विश्वास हो गया, उसने हरिनाम लेकर के बस ठाकुर के भजन में डूब गए। बस सब बेटी की शादी बड़े से बड़े घर में हो गई, क्योंकि ठाकुर जी का जो भजन करे, ठाकुर स्वयं कहते हैं जो व्यक्ति मेरे लिए सब कुछ करता है, अनन्न चिंतन तमाम जिजना पर जिपासते, जो दिन भर मेरी चिंता भक्ति करते हैं उसका सारे काम मैं कर लेता। ठाकुर जी का सारे काम को मेरे को करना पड़ता, क्यों वो मेरे लिए करता है, उसके लिए तो मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है ना? क्या करना? भगवान का नाम चिंतामणि साक्षात भगवान कृष्ण है, यही जगत का सबसे बड़े संपत्ति है। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है ना? खूब हरिनाम डट कर करो, दिन रात भगवान के नाम जप करो, और अंतिम समय में यही धन ही जाएगी, और संसार का एक सुई धागा भी हमारे साथ में जाने वाले नहीं, ठीक है? सबके सब हरिनाम करना, सब पीछे पीछे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम।